हे गाइस, आप सभी का सरकारी जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। मैं एक और नई जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ मैं इस नई वीडियो में आ चुका हूं। आज हम देखेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में एक रिक्वायरमेंट आई हुई है उसके बारे में, और इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ इसके लिए और बताया है कि जिन कैंडिडेट लोग का ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है तो वे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मैं आप लोग को फुल प्रोसीजर बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप लोग को जो अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग का यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग का जो सिलेक्शन के बाद में जॉब की लोकेशन कहाँ मिलेगी, और साथ ही साथ आप लोग को जो क्या क्या और बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और भी कई जानकारी जो कि आपको वीडियो में आगे चल करके पता चलने वाली है। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ये फेमस है, ठीक है। मिनरत्न कंपनी की कैटेगरी की कंपनी है ये, और द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स भी इसे बोलते हैं। शिपिंग एंड वाटर वेज के अंडर में ये आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट में क्या क्या बताया गया है वो हम देख लेते हैं। जो कंपनी का नेम मैंने आपको बता दिया है, कोचिन शिपयार्ड, और जो पोजीशन जो रहेगी आप लोगों की, ग्रेजुएट या फिर टेक्नीशियन जो अप्रेंटिस ट्रेनी की जो पोजीशन रहती है वो आप लोग को मिलेगी आपके क्वालिफिकेशन के वाइज, ठीक है। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उन लोगों को ग्रेजुएट ट्रेनी, और जो लोग डिप्लोमा पास कर चुके हैं कम्प्लीट है तो उन लोगों को टेक्नीशियन जो ट्रेनी की पोस्ट अलॉट की जाएगी। जॉब की लोकेशन में हम देखें तो मालपे करके एक जो है वहाँ पर आप लोग को पोर्ट है, वहाँ पर आप लोग को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मंथली पेमेंट के बारे में हम देखें, क्योंकि ये एक अप्रेंटिसशिप की पोजीशन है तो आप लोग को अप्रेंटिसशिप के रूल के अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएट है, अगर आप लोग इस बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को 12,000 के आसपास में पर मंथ दिया जाएगा। और जो लोग ने डिप्लोमा कम्प्लीट कर रखा है वो उस बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को 10,200 रुपये पर मंथ के आसपास से स्टार्ट किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है टोटल वैकेंसीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप लोग की कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, और साथ ही साथ कितनी पोस्ट खाली है, तो आप लोग अपने ब्रांच के वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन में क्या क्या मांगा गया है वो हम देख लेते हैं। तो आप लोग का जो ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए मैंने आप लोग को ओवरव्यू दे दिया था कि ग्रेजुएट लोगों के लिए आप लोग का बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, या फिर यानी कि ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आप लोग का होना चाहिए, और जो ब्रांच रहेगी वो इलेक्ट्रिकल वाली एलिजिबल होंगी। और जो डिप्लोमा है यानी कि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, आप लोग का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या फिर डिसिप्लिन के साथ में। तो ये हो गई एजुकेशन की बात। अब हम देख लेते हैं आप लोग का सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या क्या रखा गया है। तो जो सिलेक्शन है आप लोग का, जो रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा छोटा सा, इंटरव्यू भी छोटा सा होगा, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा वो, और उसके बाद में आप लोग को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और जो भी सिलेक्ट होगा आप लोग को जो पर्सनल मेल कर दिया जाएगा, उसके बाद में आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में जाना होगा। और अब हम देख लेते हैं कि अप्लाई आप लोग को कब तक करना है और मेल आईडी कौन सी है वो, ठीक है। तो 31 जनवरी तक के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अपना जो रिज्यूम आप लोग को सेंड कर देना होगा, ठीक है। अब ये आप लोग के जो परसेंटेज के ऊपर है कि आप लोग का जो मेल का रिप्लाई आता है या फिर नहीं, या फिर जैसा भी है वो आप लोग को बाद में ही पता चल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर इस मेल पर अप्लाई कर देना होगा, HR@UDUPICSL, ठीक है, coachingshipyardlimited.com। तो ये मेल आईडी मैंने दे दिया है, यहाँ पर आप लोग को जो अपना रिज्यूम सेंड कर देना होगा। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है या फिर डाउट आ रहे हैं, क्वारीज हैं, तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट में जो अपना वो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी आप कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।